चित्र हमारा आज का टॉपिक है कि आयरिस में से कैसे देखें। मैं आज आपको बताऊंगा कि जब हम आयरिस में से देखते हैं तो किस टाइप का हमें नज़र आता है। जब भी हम आयरिस को कम या ज़्यादा करते हैं तो आपको इस जाली के टाइप ऐसा एक जाला सा अंदर बनते हुए नज़र आएगा। ये जो जाला सा है, ये जब भी हम उसको कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो ये कम या ज़्यादा होगा। तो शूटर ने इस चीज़ से घबरा नहीं जाना कि उसकी आई साइट ख़राब होगी। ये नेचुरली ही है, जब हम आयरिस को कम या ज़्यादा करते हैं तो उसके अंदर शेडो बनती है ब्लैक टाइप की, बिल्कुल इस जाले की तरह। अब मैं आपको बताता हूँ कि आयरिस में से हमने देखना किस टाइप से है। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा आयरिस है और जब हम इसको छोटा या बड़ा करते हैं तो ये इसके अंदर ऐसा ब्लैक सा एक जाला बनेगा और ये आयरिस का ये बाहर वाला सर्कल रह जाएगा और ये बीच वाला एक जाला सा बनेगा इसके अंदर। अब जो पोर्शन ये जाला सा बनता है हमने इसमें से देखना है। अगर इसमें से हम देखेंगे तो हमारे शॉट बिल्कुल ठीक लगेंगे, लेकिन अगर हमने आयरिस के सर्कल और ये जाले के बीच का जौन सा गैप है, ये वाला जो बीच का जो सा गैप है, अगर हमने इसमें से देखा तो हमारा शॉट ठीक होने के बावजूद भी 8 या 7 के अंदर चला जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी शूटर आयरिस को छोटा या बड़ा करता है तो वो ध्यान से देखे कि उसके अंदर एक ब्लैक सा जाला बनता है। तो उस जाले से घबराना नहीं है, ये नहीं समझना कि उसकी आई साइट कमज़ोर हो गई है या आई साइट में कोई प्रॉब्लम आ गई है। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो आयरिस की शेडो बनती है, जबकि उसी शेडो में से हमने देखना है। हाँ, इसमें ये अलग मैटर है कि उसने आयरिस को ज़्यादा खोलना है या कम खोलना है। अगर हम आयरिस को जितना कम खोलते हैं उतना एक्यूरेट लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि शूटर की आई साइट के ऊपर डिपेंड है। अगर वो आयरिस को थोड़ा ज़्यादा भी खोलेगा और ये जब जो ये जाला जो उसे दिखेगा, अगर वो इसी में से देखेगा तभी शॉट एक्यूरेट जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ये टारगेट है, जब शूटर आयरिस को लगाता है तो आयरिस का जो जाला है वो शूटर के इसमें बिल्कुल यहाँ पे बनना चाहिए जहाँ पे भी है, लेकिन वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आधा जाला ऐसे बन रहा हो या आधा जाला इस साइड में बन रहा हो। उससे क्या होगा कि उसके शॉट इस साइड या उस साइड, यानी कि या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड जाएंगे। तो जब भी शूटर ने वो जाला बनाना है और आयरिस को उसमें से देखना है तो वो जो सर्कल है उसका, आयरिस का जाले का, वो बिल्कुल सेंटर में ही होना चाहिए, ना कि लेफ्ट में ना कि राइट में। अगर वो लेफ्ट और राइट में भी होगा तब भी शॉट उसी साइड को जाएंगे जिस साइड में जाला ज़्यादा होगा। आयरिस को फ्यूचर स्टिक सेक्टर 32 चंडीगढ़ से परचेज कर सकते हैं।